हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डी एन पी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने खालिस्तान संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय की ओर से पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को बनारस आ सकते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने ताज होटल में मंथन किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को वाराणसी के बूथ कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा। साथ ही सदन में आज का दिन विधायकों और मंत्रियों के खुशियों भरा भी साबित हुआ। विधानसभा में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़वाने वाले विधेयकों को पारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज पर अपने बयान पर मंत्री के एस ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके कारण लगातार पांचवें दिन भी विधानसभा में व्यवधान के चलते सत्र को छोटा कर दिया गया है। लेकिन इसके पहले बिना चर्चा के दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया गया। 14 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 25 फरवरी को समाप्त होने वाला था। अब इसे बजट सत्र के लिए 4 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। टेक्सास मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई नहीं होगी। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आग्रह करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 25 मार्च के लिए स्थगित कर दिया है। पुलिस मेस एसोसिएशन जामताड़ा शाखा के चुनाव में जय किशोर मरांडी ने अध्यक्ष पद पर परचम लहराया है। रविवार की देर रात आए चुनावी नतीजे में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गौतम झा को मात देकर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, जबकि सचिव के पद पर सहदेव सोरेन ने नजदीकी मुकाबले में बलभद्र टुड्डू को शिकस्त दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच पर महाराष्ट्र सरकार 9 मार्च तक रोक लगाए। साथ ही कोर्ट का कहना है कि वो 9 मार्च को जाँच सीबीआई को सौंपे जाने तक अंतिम फैसला सुनाएगी। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई थी। उसकी शव यात्रा के दौरान लोगों का गुस्सा फूट उठा। लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें एक महिला सिपाही और फोटो पत्रकार के साथ कई लोग घायल भी हो गए। ऑनलाइन फ्रॉड इन दिनों आम बात हो गई है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स भी इसके शिकार हो रहे हैं। अब इंडिया बुल्स के स्वामित्व वाले इंटेक प्लेटफॉर्म यानी धानी ऐप के जरिए कई भारतीयों की पैन संबंधित जानकारियां लीक हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पेरिस के बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, चेक गणराज्य और यूरोपीय संघ के अपने समकक्षों से मुलाकात की और परस्पर हितों और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की है। इमरान खान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी पीटीआई ने फंड जुटाने के लिए कई तरह के घपले किए हैं। विदेश में रह रहे लोगों की पार्टी की सालाना सदस्यता भी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड से जुटाई गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।